IPL का इंतजार कर रहे क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर है। 11वें IPL के शुभारंभ की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। IPL के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने इसकी तारीख का ऐलान करते हुए कहा, 6 अप्रैल को 11वें IPL का शुभारंभ किया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी मुंबई में आयोजित की जाएगी। इससे पहले 27 और 28 जनवरी को IPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। 10 सीजन पूरे कर चुके IPL की नीलामी में इस बार नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। IPL कमिश्नर के मुताबिक पहला मैच 7 अप्रैल को मुंबई में ही खेला जाएगा और फाइनल मैच 27 मई को मुंबई में होगा। 2 साल के निलंबन के बाद चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स इस बार IPL में वापसी कर रहे हैं। इस बार 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए पंजीकरण किया था, लेकिन BCCI ने छंटनी कर इसे 578 खिलाड़ियों का कर दिया। खिलाड़ियों को उनके प्रोफाइल के आधार पर 8 स्लैब में रखा गया है। इस समय दुनिया के मुख्य तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और T20 मैच विजेता क्रिस गेल को M1 यानी कि मार्की 1 वर्ग में रखा गया है। मार्की सूची के दूसरे टीयर में कुछ अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हरभजन सिंह, गौतम गंभीर और युवराज सिंह हैं। टीम इन डिलिंग्स।